इधर रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास एनआईटी के सामने निर्माणाधीन यूथ हब और चौपाटी के साथ ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दूसरे कार्यों की लड़ाई अब हाईकोर्ट के बाद दिल्ली तक जा चुकी है। आरएसएल के कामों की शिकायत करने के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ ही शहर जिला अध्यक्ष और भाजपा के 26 पार्षद आज दिल्ली जाएंगे और शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इसकी शिकायत करेंगे। चौपाटी के विरोध में धरने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी से आरएससीएल के कामों की जांच की मांग की जाएगी, साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यो में अनियमितता और भ्रष्टाचार के दस्तावेज भी वो सौंपेंगे। प्रोजेक्ट के साथ केंद्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के ज़्यादा दिए, जिस धन का दुरुपयोग यहाँ के महापौर, यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर के किया, चाहे वो तालाब निर्माण की बात हो, सौंदर्यकरण की बात हो, चौक चौराहों की बातचीत हो, और इसीलिए इन सब के तथ्य एकत्र होकर के हम माननीय केंद्रीय मंत्री पुरी जी से मिलेंगे, सब लोग जाकर के शिकायत करेंगे, इसकी जाँच की मांग करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाए जा रहे यूथ हब और चौपाटी की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच चुकी है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत और बीजेपी के 26 पार्षद इस यूथ हब की शिकायत करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बीजेपी के नेता और पार्षद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी के कामों में हुई अनियमितता की जांच की मांग करेंगे। बीजेपी नेताओं ने रायपुर स्मार्ट सिटी के कामों में अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी के 176 में से 148 कामों में अनियमितता बरती गई है। आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से शाम 4 बजे आज मुलाकात होगी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी के पार्षद लगातार नगर निगम में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वहां जाकर के 18 करोड़ रुपए का यूथ हब के नाम पे वहां यूथ हब का काम ही नहीं हो रहा, तो घुंटियां रखी हुई है वहां, साइकिल ट्रैक का काम नहीं हो रहा, ऐसे बुढ़ापारा के अंदर ऐसी कई जगह की जब ये अनियमितताएं उजागर होती गई, उसकी शिकायत दस्तावेज के साथ में करेंगे, जांच की मांग करेंगे। उनकी कार्यप्रणाली की किस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हम लगातार चौपाटी के विरोध में एक हफ्ते से धरने में बैठे हैं, कार्यप्रणाली उसके अवगत कराएंगे, भ्रष्टाचार के हम उनको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए, अवैध चौपाटी के निर्माण के विरोध में हमने यहाँ पर अपने स्तर पर प्रयास किया, मगर कोई परिणाम नहीं आ रहा है, तो इस विषय को लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से शिकायत करने, साथ ही हम नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी उनसे चर्चा करेंगे।